स्पेस टाइम से रिलेटेड है और हमारे साइंटिस्ट ने दो मुंह वाले सफेद तारे की खोज की है। साइंटिस्ट ने स्पेस में दो मुंह वाले सफेद बौने डॉट स्टार्स का पता लगाया है जो कि हमारी मिल्की वे में स्थित सिग्नस तारामंडल में मौजूद है और अर्थ से अप्रॉक्स 1300 लाइट ईयर दूर स्थित है। इसके दोनों हिस्से हाइड्रोजन और हीलियम से बने हुए हैं और इस स्टार का टेम्परेचर 35,000 डिग्री सेल्सियस है। एस्ट्रोनॉमर्स ने इसका नाम एंशिएंट रोमन गॉड जेनस के नाम पर रखा है। कहा जाता है कि एंशिएंट रोमन गॉड जेनस दो चेहरे वाले थे जिसमें एक चेहरा आगे और दूसरा पीछे की तरफ देखता था। इस जेनस तारे में एक हिस्सा हाइड्रोजन और दूसरा हेलियम से बना हुआ है। अंतर के तौर पर हेलियम वाला पक्ष बबल जैसा दिखता है जबकि हाइड्रोजन वाला हिस्सा चिकना और चमकीला दिखता है। जेनस तारे का मास सन के मास से 20% बड़ा है या अर्थ के हाफ डायमीटर वाले वस्तु में संपीड़ित है या प्रत्येक 15 मिनट पर अपने एक्सिस पर बहुत तेजी से घूमता है जबकि अन्य तारे आमतौर पर कुछ घंटों से लेकर कुछ दिनों में घूमते हैं। कयाजो ने कहा लगभग 97% तारों का मरने के बाद सफेद बौना बनना तय है। तो इस प्रकार न्यू स्पेस रिसर्च फैक्ट इस वीडियो में डिक्लेयर किया गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।